न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी रही, सेंसेक्स 150 अंक बढ़कर 79,106 पर बंद हुआ। वही निफ्टी भी 5 अंक ऊपर चढ़ा, ये 24,144 पर पहुंच गया। इस दौरान निफ्टी के 24 शेयरों में तेजी और 26 में गिरावट रही, जबकि सेंसेक्स के 16 शेयरों में तेजी और 14 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमतों में तेजी आई, दिल्ली सराफा बाजार में सोना 300 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 73,150 रुपए हो गया। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई, चांदी 300 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 83,200 रुपए पर पहुंच गई। कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के लेन देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। हालांकि ये आदेश सिर्फ सरकारी विभागों के लिए है, कर्नाटक वित्त विभाग की ओर से ये आदेश दिया गया है। इससे पहले दोनों बैंकों पर जमा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे थे, जिसके बाद राज्य के सरकारी विभागों को इन दोनों बैंकों में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ना करने को कहा गया है।